सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी कोचिंग क्लासेस। सो क्लास 9th का हम पर चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल। हम एक्सरसाइज 2.4 पढ़ने वाले हैं, फैक्टर थ्योरम और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल जनरली हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस एक्सरसाइज का। आफ्टर डैट लास्ट में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे, सारे क्वेश्चन को डिटेल में लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जनरली फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं ये पढ़ना है। पिछले 8th क्लास में हम ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 8th क्लास में हमने बहुत सारे मेथड पढ़ा है फैक्टराइज करने का। आइडेंटिटी मेथड्स फैक्टराइज करना सीखा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला जो मेथड था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके था मेथड, क्लास 8th में पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना। फैक्टर यहाँ पे हम मिडिल टर्म के साथ साथ फैक्टर थ्योरम की हेल्प से भी हमें फैक्टराइज करना है। क्या कहता है फैक्टर थ्योरम? इफ पी एक्स, अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है एन वन के बराबर या वन से ज़्यादा है, और जो ए है कोई भी हमारी रियल नंबर है, देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स होगा इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो। इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। एंड सेकेंड है, इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो होगा जब एक्स माइनस ए फैक्टर होगा, मतलब घुमा फिरा के उल्टा कह रहा है, पी ए जीरो होगा तो एक्स ए एक्स माइनस ए जो होगा पी एक्स का फैक्टर होगा, ठीक है, या फिर एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो पी ए जीरो हो जाएगा, क्लियर है। कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने डिवाइजर डिविडेंड क्वासेंट रिमाइंडर के टर्म में लिख दिया, डिवाइजर डिविडेंड क्वासेंट रिमाइंडर इस तरीके से लिख दिया, पी एक्स एक्स माइनस ए, ठीक है। इफ पी ए अगर हम जीरो मान लेते हैं, इफ दिस इज इक्वल टू जीरो देन पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म बच जाएंगे, ठीक है, which shows that x minus a is a factor of qx, क्योंकि remainder zero हो गया ना, तो remainder zero हो गया मतलब जो quotient है वो पूरी तरीके से divide कर दे रहा है ना, ये हो गया। second है, अगर x minus a px का factor है तो अपन x minus a like इस तरीके से लिख सकते, factor है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर ये इसके factor है तो जाहिर सी बात है remainder zero ही होना चाहिए, ठीक है। therefore जो हमारा remainder होगा pa वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पुट करते हैं a, तो ये रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, है ना। इसको और अच्छे तरीके से हम समझेंगे क्वेश्चंस करके। तो पहला जो क्वेश्चन है इसको फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से और फैक्टर थ्योरम से। आपके एग्जाम्स में फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चंस बहुत कम, एक आध क्वेश्चन गलती से पूछ दिया जाएगा, ज्यादातर किसी भी क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा किस तरीके से पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना। आपको जो भी मेथड आता है आप उस मेथड से एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दोनों मेथड सिखाऊंगा। तो मेथड वन सिखाने वाला हूँ स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। देखिए कैसे होता है, 6x स्क्वायर है प्लस 17x है प्लस 5 है। तो अगर यहाँ पे 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, यहाँ पे 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं था, बट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 की जगह पे 1 होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता, बट 5 1 के अलावा कोई और नंबर है तो अब हम क्या करेंगे, इसके कोफिशियंट और ये जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेथड होता है 6 5 30। अब 30 का एलसीएम लेंगे, 30 का एलसीएम लेंगे तो 2 15 3 5 5 1। अब ये 2 ये 3 और ये 5 के साथ ऐसा कुछ खेल करिए, इनको प्लस माइनस करने पे कितना 17 आए और मल्टीप्लाई करने पे तो 30 आएगा, तो 30 का ही आप ये निकला है तो इनको मल्टीप्लाई करने पे तो 30 ही आएगा, ठीक है, बट प्लस माइनस करने पे ये 17 आना चाहिए मिडिल टर्म वाला, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, 5 3 15 5 3 15 और 15 प्लस 2 17, है ना, और 15 × 2 30 दोनों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा 5 3 15 15 प्लस 2 करने पे 17 हो जा रहा है और 15 और मल्टीप्लाई जाहिर एलसीएम है तो मल्टीप्लाई करने पर 30 आएगा ही, तो अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो 6x² + 17 को लिखता हूँ मैं 15 + 2x + 5, तो 6x² + 15x + 2x + 5, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से, तो अब मैं क्या करूँगा कॉमन ले लेता हूँ, इसको और इन दोनों को एक तरफ कर लेता हूँ और इसको एक तरफ, मैं इन दोनों में से क्या करता हूँ 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा 2 3x + 1 बच जाएगा, और इसमें से कॉमन ले लूंगा तो क्या कॉमन 5 कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा 3
3x प्लस 1 है ना कॉमन लेने वाला, ये यहाँ 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 दोनों में 3x प्लस 1 कॉमन ले लो, क्या बचे 3x प्लस 1 यहाँ से हट जाएगा तो बचेगा 2x, यहाँ से 3x प्लस 1 कॉमन ले लिए तो बचेगा 5, तो ये लीजिए ये फैक्टराइज करके हमारा इस पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कर लिया 3x प्लस 1, 2x प्लस 5 स्प्लिटिंग मीडियन टर्म मेथड। ओके यही मेथड को हम मैक्सिमम जगह पे यूज करने वाले हैं। अब हम यूज करेंगे जनरली, आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, फैक्टर थ्योरम को किस तरीके से यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या कर रहा हूँ, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, इसमें से 6 अगर हम कॉमन ले लें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 17x अपॉन 6 प्लस 5 बाई 6। मैंने 6 कॉमन ले लिया, और जनरली कॉमन लो या फिर आप ऐसे ऐसा कह सकते हो कि मैंने 6 से डिवाइड कर दिया और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 6 जब इससे अंदर देखो, ये 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, ये 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 से 6 कट जाएगा 17x आ जाएगा, ये 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 6 से 6 कट जाएगा 5 आ जाएगा, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। देयरफॉर इसको मैं लिखूंगा, अब अगला मेथड है इस तरीके से आपको करना ही करना है, x माइनस ए एक्स प्लस बी, इस तरीके से आपको करना है, सॉरी हैव नॉट माइनस इट्स प्लस, ठीक है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है, ये हो गया। अगला मेथड लिख देना, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए और बी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, आपका जो इसमें ये जो बचा है कॉन्स्टेंट लेने के बाद, कॉमन लेने के बाद, इसका जो कॉन्स्टेंट टर्म है 5 बाई 6 ये हो जाता है यहाँ पे, ए बी इज 5 बाई 6, क्लियर है। अब देखो 5 बाई 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 5 बाई 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, ऊपर 5 है नीचे 6 है, इसकी फैक्टर क्या क्या हो सकती है, 5 का फैक्टर हो सकता है 1 और 5, 6 का फैक्टर हो सकता है 1 2 और क्या हो सकता है 3, है ना, और क्या हो सकता है 6, ये हो सकता है इतना सारा। देयरफॉर हम कैसे लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं पहला तो 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो प्लस माइनस 1 एक हमारा मिल गया वैल्यू, दूसरा मैं लिख सकता हूँ 1 बाई 2 प्लस माइनस 1 बाई 2 लिख सकता हूँ, तीसरा लिख सकता हूँ प्लस माइनस 1 बाई 3, चौथा लिख सकता हूँ मैं क्या फैक्टर प्लस माइनस 5 बाई 2, है ना, प्लस माइनस 5 बाई 3 प्लस माइनस 1 बाई 6, इस तरीके से। अब इसमें से आपको कोई ट्राई करो, इसी में से आप कोई ट्राई करो, पी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर है प्लस 17x है प्लस 5। अब ट्रायल मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या होता है, हीट एंड ट्रायल मेथड सबको पुट करके देखो कि क्या पुट करने पे इस पूरे इनमें से क्या पुट करने पे इसकी वैल्यू जीरो आ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो वैल्यू आएगी, आप ट्राई करके देखना, कोई भी सब वन बाई वन हीट एंड ट्रायल मेथड यही होता है, सबको ट्राई करके देखते जाना। ऐसे दो नंबर आपको ढूंढने, तो यहाँ पे आपको एक माइनस 1 बाई 3 और एक माइनस 5 बाई 2 जो है, ये आपको दो वैल्यू मिलेगा, और भी मिल सकता है, ये दो मिलेगा, ठीक है, जिसको पुट करने से इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे एक्स जब माइनस 1 बाई 3 पुट करके देखोगे ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा ये मिल गया, ठीक है। तो इस यहाँ से अगला स्टेप ये होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसका अगला स्टेप होगा 6x माइनस 1 बाई 3 और माइनस से माइनस माइनस प्लस 1 बाई 3 और x माइनस बी, ये भी हो जाएगा प्लस 5 बाई 2, ये हमने फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। इसी में अगला स्टेप क्या करोगे, अच्छा इस चीज को ना मैं नीचे लिख देता हूँ, इस चीज को मैं नीचे लेकर ले आता हूँ, ठीक है, समझ जाना आप इसी के आगे करने वाले हैं हम लोग। अब इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 6, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2, तो 2x प्लस 5, इस तरीके से 3 इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 को यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 6 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जस 6, तो ये हो जाएगा 3 2 जो 6 और ये 2 मल्टीप्लाई है ना, ये 2 2 से कट गया, आंसर आ जाएगा 3x प्लस 1 2x प्लस 5। स्प्लिटिंग मेथड से भी यही आया था, इससे भी यही आया, ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है इसलिए इसका यूज लोग नहीं करते हैं, ठीक है।
अब हम 3.4 का पहला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं. डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस वन फैक्टर. इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है जो एक्स प्लस वन का फैक्टर है. तो जाहिर सी बात है फैक्टर तभी पता चलेगा जब रिमाइंडर जीरो आएगा, है ना. तो इसमें अगर एक्स प्लस वन, ये हमारा जी एक्स है, जी एक्स की वैल्यू दे रखा गया है. अच्छा एक क्वेश्चन में पूरी तरीके से सॉल्व करता हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, बाकी सब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है. तो पी एक्स पहला क्वेश्चन को मैं करता हूँ, पी एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. जी एक्स हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वन, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन. अब ये पुट कर दो, पी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन. ये आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस वन प्लस वन. तो प्लस इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आ गया जीरो. तो x प्लस वन अगला स्टेप, देयर फॉर एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, इसका फैक्टर होगा, ये रिमाइंडर जीरो आ गया. ओके ये इस तरीके से स्टेप से आपको करना है. अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट करके आपको बताऊंगा, अब स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट बताऊंगा. तो x की वैल्यू हमारी x प्लस वन था जी एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस वन, सबके लिए x की वैल्यू माइनस वन पुट करना है. सेकंड क्वेश्चन में अगर हम x की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे, x की वैल्यू माइनस, तो ये माइनस वन का फोर प्लस माइनस वन का थ्री प्लस माइनस वन का टू प्लस माइनस वन प्लस वन, ये आ जाएगा, आ जाएगा माइनस वन का फोर वन, माइनस वन का क्यूब माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन. ओके एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ये माइनस वन से प्लस वन कट गया, इस माइनस वन से प्लस वन कट गया, आंसर आ गया वन. तो एक्स एक्स प्लस वन जो है इसके लिए फैक्टर नहीं है, इसके लिए है, इसके लिए नहीं है, ठीक है. अब हम ये क्वेश्चन के लिए देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन के लिए, माइनस वन का फोर प्लस थ्री इंटू माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री इंटू इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन. इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा वन, माइनस वन का फोर वन, माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस वन प्लस वन, ठीक है. प्लस थ्री से माइनस थ्री कट गया, माइनस वन से प्लस वन कट गया, आंसर आ गया वन. ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा फैक्टर. फोर्थ वाला देख लेते हैं, फोर्थ वाला है माइनस वन का क्यूब माइनस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू माइनस वन प्लस रूट टू. ओके तो ये हो जाएगा माइनस वन का क्यूब माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर वन आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वन, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू, और ये माइनस बाहर से खुलेगा ब्रैकेट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस टू, और ये हो जाएगा. अच्छा इसको मैं पूरी अच्छी तरीके से करता हूँ, ठीक है, पहले मैं अंदर ही माइनस टू माइनस रूट टू प्लस रूट टू, इस तरीके से हो जाएगा माइनस वन माइनस वन, ये खुलेगा बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस टू माइनस माइनस प्लस रूट टू प्लस रूट टू. ओके तो ये हो जाएगा माइनस टू प्लस टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू, ये इससे कट गया, आंसर आ जाएगा टू रूट टू प्लस रूट टू टू रूट टू, है ना, ये भी फैक्टर नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है. क्वेश्चन क्या था, एक्स माइनस माइनस था प्लस प्लस, ठीक है, माइनस वन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू, ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या करना है, यूज द फैक्टर थ्योरम, ओके, टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. gx इज अ फैक्टर ऑफ px, यूज फैक्टर थ्योरम. बहुत आसान है यार, पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं, कुछ करना ही नहीं है, px दिया हुआ है, gx नहीं देता तो gx निकालना पड़ता, यहाँ पे तो gx की वैल्यू दे रखी गई है तो कुछ करना ही नहीं है. gx की वैल्यू है x प्लस वन, इसको जीरो के इक्वल कर दो, x इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा,
कर दो माइनस वन, और टू इंटू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस वन, ये आ जाएगा माइनस टू, ये प्लस वन प्लस टू माइनस माइनस प्लस, तो टू इंटू वन टू माइनस वन, तो ये इससे कट गया और ये इससे आ गया, तो आंसर आ गया जीरो। ओके, आसान था क्वेश्चन, ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, स्टेप में करके दिखा दिया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर करने जा रहा हूँ, जी एक्स दिया है एक्स प्लस टू, जीरो के बराबर कर दीजिए, यहाँ से आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टू, पुट कर देंगे माइनस टू तो आ जाएगा x का क्यूब है तो माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स का स्क्वायर है तो माइनस टू का स्क्वायर, थ्री एक्स है तो प्लस थ्री इंटू माइनस टू, प्लस वन है तो ये प्लस वन, तो माइनस टू टू जो फोर, फोर टू जो एट, एट आएगा और साइन ऑड है, निगेटिव का साइन, तो ये माइनस में ही आएगा, प्लस माइनस टू का स्क्वायर फोर, और फोर थ्री जो ट्वेल्व, प्लस ट्वेल्व आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, थ्री टू जो सिक्स प्लस वन। ओके, तो माइनस एट प्लस बारह क्या हो जाएगा प्लस फोर, और माइनस सिक्स प्लस वन, ये हो जाएगा प्लस फोर माइनस सिक्स क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस वन, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस टू प्लस वन के प्लस माइनस माइनस, आंसर आ जाएगा माइनस वन, ठीक है। ऊपर वाला फैक्टर हुआ था, हो गया था शायद, दूसरा वाला नहीं हुआ, ये फैक्टर नहीं है, हो गया था ना पक्का, हाँ हो गया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, जी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस थ्री दिया है, जीरो के इक्वल कर दीजिए, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी थ्री, तो पी थ्री एक्स का क्यूब है, थ्री का क्यूब माइनस फोर इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स, ठीक है, थ्री थ्री जो नाइन, नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन, थ्री थ्री जो नाइन, नाइन फोर जो थर्टी सिक्स प्लस थ्री प्लस सिक्स, तो ट्वेंटी सेवन माइनस थर्टी सिक्स कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस नाइन, और सिक्स प्लस थ्री प्लस नाइन जीरो। ओके, तो ये फैक्टर है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अच्छा, एक्स माइनस के, ओके, एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स है, बोला है ये इसका फैक्टर है, अब के की वैल्यू फाइंड कीजिए। पहले का मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पी एक्स की वैल्यू दी, थोड़ा स्टेप से करूंगा, बाकी मैं डायरेक्ट करूंगा। और जो जी एक्स है एक्स माइनस वन, इसको जीरो के इक्वल कर देना है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो p 1 पे इसके आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, और क्योंकि ये पहले ही बता दिया ये इसका फैक्टर है, तो इसको डायरेक्ट 0 के इक्वल कर दीजिए, ठीक है, फैक्टर है, तो px जो होगा वो gx के बराबर हो जाएगा, है ना, इस तरीके से, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, k आ जाएगा माइनस 2, ठीक है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू, जी एक्स क्या था, एक्स माइनस वन है, जीरो के बराबर कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन, तो यहाँ पे पी वन पुट किया जाए, ये आ जाएगा, ओके, तो टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू, इसको जीरो के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है, इसलिए टू आ जाएगा प्लस के इंटू वन के ही हो जाएगा प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से टू प्लस के जो है माइनस रूट टू हो जाएगा, के इधर जाएगा तो माइनस रूट टू माइनस टू हो जाएगा, के की वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसको कर सकते हैं कैसे, माइनस रूट टू, माइनस टू को क्या लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू, ओके, तो यहाँ से माइनस रूट टू कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आएगा, वन प्लस रूट टू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला, पी एक्स दिया है के एक्स का स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन,
एक्स की वैल्यू आ रही थी -1, तो पी -1 पे -1 ही आ रही थी, सॉरी +1 आ रहा था यार, ये उधर जाएगा तो आ जाएगा के इंटू 1 का स्क्वायर -√2 इंटू 1 + 1, इसको 0 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये इसके फैक्टर हैं ऑलरेडी बता चुका है। तो के -√2 + 1 इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू -√2 उधर जाएगा तो +√2 + 1 है तो जाएगा -1, के की वैल्यू आ गई। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, टी एक्स इज इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर -3x + k, तो पी 1 पुट करना है क्योंकि जी एक्स 1 है, जी एक्स है हमारा कितना, एक्स -1 है, 0 के इक्वल करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो के 1 का स्क्वायर इंटू -3 × 1 + k 0 के बराबर कर देंगे, तो के हो जाएगा -3 हो जाएगा प्लस के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये k प्लस के 2k हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से k आ जाएगा, -3 हो जाएगा तो +3 हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 3/2 आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखना है, फैक्टराइज करना है सबको फैक्टराइज करना है। पहले को फैक्टराइज करते हैं, 12x का स्क्वायर -7x + 1। ओके, तो देखिए लास्ट में 1 है तो स्प्लिटिंग मीडियन टर्म, तो टू आगे का इधर क्या कोफिशिएंट, 12 और इसका 1, 12 × 1 आ रहा है 12, तो 12 का ले लीजिए एलसीएम, तो 2 6 12, 2 3 3 1। अब इनके साथ ऐसा खिचड़ी पकाइए कि प्लस माइनस करने पे आपका 7 आना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, 2 + 2 = 4, 2 2 = 4 और 4 + 3, तो 4 + 3 करने पे 7 आ जा रहा है और 4 × 3 करने पे 12 आ ही जाएगा, 12 आना चाहिए बोलिए। ठीक है, तो अपन इसको इस तरीके से स्प्लिट कर देते हैं कि -4 + 3x + 1, 4 + 3 इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x² -4x - 3x + 1। यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, 4x कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, 4 3x बचेगा, -1 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, 3x बचेगा, -1 बचेगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4x - 1 3x - 1। क्लास 8 में पढ़े थे ना भैया, बस वही मेथड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 2x² + 7x + 3 है, लास्ट में 3 आगे कोफिशिएंट 2, 3 × 2 3 2 = 6, 6 के साथ एलसीएम लीजिए, 2 3 = 6 3 1 = इनके साथ ऐसा 2 3 = 6 ऐसा कुछ खिचड़ी पकाइए, इनके साथ ऐसा खिचड़ी पकाइए कि इंटू करने पर 6 आए और प्लस माइनस करने पर 7 आए। ओके, तो क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये कर सकते हैं, और 1 को भी अगर मैं इस तरीके से करूँ तो 1 एक ही बात है ना, अब नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत, बात तो एक ही है, इसको लिख सकते 3 × 2 = 6, 6 + 1 हमारा हो जाता है 7 और 6 × 1 हो जाता है हमारा 6, इंटू करने पे ये 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे हमारा 7 आना चाहिए, आ गया प्लस करने पे, तो मैं इसको 2 स्प्लिट कर देता हूँ किस तरीके से, 6 + 1 में 7 को, ये x अंदर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ इसमें और इसमें से मैं क्या 2x कॉमन ले लेता हूँ तो आएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा x + 3, यहाँ पे 1 कॉमन ले लूंगा तो x + 3, इसमें भी x + 3, इसमें भी x + 3 है, x + 3 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा 2x, यहाँ पे बच जाएगा 1, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 6x² + 5x - 6, ठीक है, तो इधर भी 6 है तो 6 × 6 36, 36 का एलसीएम ले लीजिए, 18 × 2 9 = 3 3 = 3 1 = इनके साथ कुछ खिचड़ी पकाइए ऐसा कि प्लस इंटू करने पे, तो क्योंकि एलसीएम आया है तो इंटू करने पे 36 तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए, तो 3 3 = 9,
थ्री थ्री जे नाइन और टू टू जे फोर, नाइन माइनस फोर फाइव और नाइन इंटू फोर 36। बहुत अच्छा मिल गया हमको, नाइन माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स। यहाँ से थ्री एक्स कॉमन ले लेते हैं इसमें और इसमें से, तो आ जाएगा थ्री टू एक्स प्लस थ्री थ्री जे नाइन। यहाँ से फोर कॉमन, फोर क्यों, फोर कॉमन लेंगे तो इसकी तरह नहीं बनेगा, माइनस टू कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा टू एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस और थ्री। अच्छा यहाँ पे नाइन लिख, थ्री होगा, सॉरी थ्री, ठीक है थ्री एक्स कॉमन लिया हूँ, थ्री तो थ्री एक्स माइनस टू, टू एक्स प्लस थ्री, आंसर हो गया आप। ओके फोर्थ क्वेश्चन क्या है, थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, आगे थ्री कोफिशियंट एक्स स्क्वायर का, ये तो थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व का एलसीएम ले लीजिए, टू सिक्स ज, टू थ्री ज, थ्री वन ज, इनके साथ कुछ ऐसा खिचड़ी पकाइए कि माइनस वन आ जाए प्लस माइनस करने पे। तो टू टू ज फोर, फोर में से थ्री गया वन, है ना, तो थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस फोर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, फोर में से थ्री गया वन, ठीक है तो वन चाहिए हमको, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो थ्री एक्स माइनस फोर। यहाँ से इनको एक तरफ कर लेते हैं, इनको हम एक तरफ कर लेते हैं, मैं थ्री एक्स कॉमन ले लेता हूँ इसमें और इसमें से, तो आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वन, और इसमें से मैं माइनस फोर कॉमन ले लूँगा तो आ जाएगा एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन यहाँ भी, एक्स प्लस यहाँ भी है, तो एक्स प्लस वन कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचिए क्या, थ्री एक्स माइनस फोर, ये लीजिए आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए और भी फैक्टराइज करना है, अब ये चार वाले फैक्टराइज है, इनको कैसे करना है, चार वाले फैक्टराइज अब कैसे होगा, अब ये जो मेथड है थोड़ा सा लेंदी, ठीक है, तीन था तो ठीक था डायरेक्ट स्प्लिटिंग कर दे रहे थे, अब चार है तो इस चार को हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये तीन में कन्वर्ट हो जाए, है ना, चार टर्म है तीन टर्म में कन्वर्ट हो जाए और फिर हम स्प्लिटिंग आगे कर देंगे। तो एक ही तरीका है कि हम इसको लॉन्ग डिविजन से करें, ठीक है, किस तरीके से लॉन्ग डिविजन, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, तरीका देखो, इस पूरे टर्म में कांस्टेंट क्या है, लास्ट वाला जो कांस्टेंट टू कांस्टेंट है, इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है, इसका फैक्टर हो सकता है वन और टू खुद हो सकता है, ठीक है, तो प्लस माइनस वन या प्लस माइनस टू ये हो सकता है, ठीक है। अब हम इसमें से मान लेते हैं एक्स प्लस वन मैं ले लिया हूं, आप एक्स माइनस वन, ये चार आपके पास ऑप्शन आया है एक्स माइनस, तो क्या ये x प्लस वन इसका फैक्टर है, क्या ये x माइनस प्लस वन, क्या x माइनस वन इसका फैक्टर है, क्या x प्लस टू इसका फैक्टर है, क्या x माइनस टू इसका फैक्टर है, ये तभी पता चलेगा जब इसको इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, ठीक है, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, है ना। तो अब डिवाइड करने जाओगे तो बहुत लेंदी, कितने बार डिवाइड करोगे, एक बार फिर आपको डिवाइड करना है, एक चेक कर लो ना, मान लो नहीं हुआ तो फिर टाइम वेस्ट हो गया ना, तो चेक कर लो, कौन से मेथड से चेक करोगे, हम रिमाइंडर मेथड से चेक करेंगे, तो हम x प्लस वन को जी एक्स मान लेते हैं और फिर चेक करेंगे। ओके अब हम क्या करते हैं, मैं इसको लेता हूँ जी एक्स, ये हमारा हो गया जी एक्स, इसको जीरो के इक्वल कर देता हूँ, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। अब मैं पी एक्स में माइनस वन पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब था तो माइनस वन का क्यूब हो जाएगा, माइनस टू इंटू एक्स का स्क्वायर है यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर, माइनस माइनस वन प्लस टू तो ये हो जाएगा माइनस वन और ये हो जाएगा माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन, ये प्लस टू, प्लस टू से माइनस टू वन कट गया, माइनस टू कट गया, प्लस वन से माइनस वन कट गया, आ गया जीरो, तो हाँ एक्स प्लस वन हमारा है, मिल गया हमको, बाकी सब जो है ना मिटा दो, बाकी सब जो है इसको मिटा दो, काम ही नहीं है हमको, बस हमारा इससे काम हो गया, अब हम इसको भी मिटा देते हैं, चेक करना था, इसी को हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, चेक करना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x प्लस वन को थोड़ा सा और ऊपर लिखें कि ज़्यादा स्पेस लेगा, इस x प्लस वन को हम डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक्स का क्यूब माइनस टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स
प्लस टू लॉन्ग डिविजन मेथड से हम करेंगे। तो इस x को इससे डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर में x का स्क्वायर। इस x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x से तो आ जाएगा x का क्यूब। इस x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पे लिख दीजिए x स्क्वायर के नीचे ही x स्क्वायर, ओके, और ये प्लस में आएगा, है ना। अब सॉल्व करने के लिए साइन चेंज कर दीजिए, प्लस में है, ये प्लस में था पहले, ये माइनस, ये प्लस में था, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, एक्स थ्री, एक्स थ्री, ये हो गया जीरो, ये प्लस, ये माइनस, माइनस टू, माइनस माइनस टू एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वन एक्स स्क्वायर। तो वन में लिखना जरूरी नहीं है, इस तरीके से लिखता हूँ। अब फिर से ये वाले को मैं नीचे ले आता हूँ, माइनस एक्स, इस एक्स को अब इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो आएगा माइनस एक्स, माइनस इस माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, इस माइनस एक्स को वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स आ जाएगा। साइन चेंज कर दीजिए, अब आपको ये वाला साइन नहीं, जो नया साइन आया है उसको कंसिडर करना है, ठीक है। ये हो गया जीरो, ये भी हो गया जीरो, बचा क्या, टू हमारा, अकेला टू हो गया, ओके। ओ सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हो गया है मिस्टेक। क्या मिस्टेक हुआ है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। साइन चेंज किया ना, ये तो चलो ये कट गया, ये हो गया जीरो, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, और ये माइनस एक्स यहाँ रख, क्लियर है। आप क्या करो, इस एक्स को इससे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस थ्री एक्स आएगा। माइनस थ्री एक्स को इससे करोगे तो आ जाएगा माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स को प्लस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस थ्री एक्स आ जाएगा। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया जीरो, प्लस माइनस, ये आ जाएगा माइनस टू एक्स, और ये अकेला जो टू बचा हुआ था इस टू को यहाँ ले, इस एक्स को हमने यहाँ लाया था तो ये प्लस टू। अब इस एक्स को फिर से इससे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आंसर माइनस टू। अब इस माइनस टू को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस टू एक्स, इस माइनस टू को वन से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस क्या आ जाएगा, टू, ये प्लस, ये प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जीरो, यहाँ पे भी एक मिस्टेक देखो दिख गया, ये देखो ये माइनस एक्स था, ये प्लस, तो प्लस माइनस, माइनस और साइन किसका है, थ्री एक्स का साइन प्लस है ना, बड़ा, तो ये बड़ा यहाँ पे प्लस का साइन आना चाहिए, ओके। और जब यहाँ प्लस का साइन आएगा तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो प्लस टू आएगा, प्लस टू से एक्स को इंटू करेंगे तो प्लस टू एक्स आ जाएगा, प्लस टू को प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टू आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस, प्लस माइनस जीरो जीरो, तो ये आ गया जीरो। देखिए हमें थ्री वर्ड मिल गया, क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब मैं इस चार को मैंने थ्री में कन्वर्ट कर लिया, अब इसको आप क्या करो, स्प्लिटिंग टर्म से कर लो। तो इधर टू है, यहाँ पे क्या है, वन है, तो वन इंटू टू आ जाएगा टू, और टू का एलसीएम लीजिए तो ये इसके साथ ऐसा कुछ खिचड़ी कीजिए कि ये आ जाए तो टू प्लस वन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन एक्स प्लस टू, टू प्लस वन थ्री, टू इंटू वन टू आ रहा ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स कॉमन ले लेते हैं तो आएगा एक्स माइनस टू, यहाँ वन कॉमन ले लेते हैं तो आएगा एक्स माइनस टू, ठीक है, ये आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू। तो इस क्वेश्चन को इतना टाइम लगा, इतना लेंदी प्रोसेस था इसको फैक्टराइज करने का, ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को करना है। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं टू। इसमें देखिए फाइव है, फाइव का फैक्टर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा और फाइव हो जाएगा, तो आपका तीन बनता है, एक्स माइनस वन बनेगा, एक्स प्लस वन बनेगा, एक्स माइनस फाइव बनेगा और एक्स प्लस फाइव बनेगा। अब आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको चेक करना होगा कि फैक्टर इसका कौन, इसमें इनमें से कौन सा इसका फैक्टर हो जाएगा। मैं चेक करता हूँ इसके साथ, तो जी एक्स हमारा क्या, मैं मानता हूँ एक्स माइनस वन, इसको जीरो के इक्वल कर दो तो एक्स इज इक्वल टू वन, तो क्या एक्स इज इक्वल टू वन पुट करने पे इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, इसकी एक्स का तो वन का क्यूब करके देखते हैं, माइनस थ्री इंटू वन का स्क्वायर माइनस नाइन इंटू वन माइनस फाइव, ये आ जाएगा वन माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव,
ये आ जाएगा माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, नौ दस चौदह, कोई चांस नहीं है आने का, ठीक है, कोई चांस नहीं है। तो ये तो पहला वाला तो नहीं होगा हिट एंड ट्रायल मेथड से, ये वाला तो फ्लॉप हो गया। दूसरा देखते हैं, ऐसे ही करते रहना है आपको, ठीक है, ट्राई करके। अब हम x प्लस वन को देखेंगे, तो मैं x प्लस वन को जी एक्स मान ले रहा हूँ, तो उसको जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, ओके। अब मैं p की जगह माइनस x की जगह वन पुट कर, तो माइनस वन का क्यूब, माइनस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर, माइनस नाइन इंटू माइनस वन माइनस फाइव, दिया जाएगा माइनस वन माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस माइनस फाइव, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस फोर प्लस नाइन माइनस फाइव, दिया जाएगा प्लस फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ओके। ये सूट कर गया तो अपन इसी को लेंगे, ओके। अब क्या करेंगे, डिवीजन मेथड, तो एक्स प्लस वन सूट किया ना, बाकी सबको इस सबको मिटा दो, बाकी सबको कोई काम का नहीं है, ये सब किसी काम का नहीं है। तो x प्लस वन के साथ अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, x प्लस वन के साथ इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर देंगे, x को इसके से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x का क्यूब और प्लस x का स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा जीरो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन माइनस का ही आएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स, इसको अब नीचे उतार लो, ठीक है, तो माइनस फोर इस एक्स को इससे डिवाइड करो तो माइनस फोर एक्स आएगा, फिर इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस फोर एक्स आ जाएगा, साइन चेंज कर दो तो ये तो हो जाएगा जीरो, साइन चेंज होने पर ये माइनस प्लस माइनस माइनस फाइन आएगा माइनस फाइव एक्स और ये माइनस फाइव, इस x को इस 5x से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा माइनस फाइव, माइनस फाइव को x से मल्टीप्लाई करो इस x से तो आ जाएगा माइनस फाइव एक्स, और इस माइनस फाइव को प्लस वन से मल्टीप्लाई करो तो माइनस फाइव, ठीक है, साइन चेंज कर दो, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, सेम डिजिट, ये हो जाएगा जीरो। तो आपको मिल गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, इसको स्प्लिटिंग टर्म से कर लो, एक्स स्क्वायर क्या कर सकते हैं, यहाँ वन है यहाँ फाइव है तो वन इंटू फाइव इज इक्वल टू फाइव, फाइव का फैक्टर फाइव, अब ऐसा कुछ करो प्लस माइनस करने पे मल्टीप्लाई करने पे फाइव, तो यही है ना, फाइव माइनस वन फोर और फाइव इंटू वन फाइव, इसको ले लेते हैं फाइव माइनस वन एक्स माइनस फाइव, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस फाइव है माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वन एक्स माइनस फाइव। यहाँ से मैं इनको और इनको एक साथ कर लेता हूँ, एक्स कॉमन ले लूँगा तो एक्स प्लस वन आ जाएगा, इनको और इनको एक साथ लूंगा तो ये आ जाएगा माइनस फाइव कॉमन ले लूंगा तो एक्स प्लस वन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस फाइव, ओके। तो ये मेथड है करने का। अब मैं बाकी दो दो क्वेश्चन जो है उसका सिर्फ आपको मैं ये वैल्यू बता दूंगा, वो किससे, ये जो ये एक्स प्लस वन वाला वैल्यू है ना ये बता दूंगा कि किस हिट ट्रायल मेथड से क्या आ रहा है, और उसको आप डिवाइड करो और जब तीन में बदल जाएगा क्वेश्चन को आप इस तरह से फैक्टराइज कर लो, इतना तो आ गया, इतना तो आप कर ही सकते हो, बस मैं आपको इसकी वैल्यू बता दे रहा हूँ थर्ड का, ठीक है। थर्ड क्या, ये लास्ट में क्या है 20, तो 20 का फैक्टर की बात किया जाए तो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है और 10 हो सकता है और 20 खुद हो सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 1 ऑप्शन जो है ना, x प्लस 1 ये सूटेबल होगा, ये फैक्टर हो जाए x प्लस वन, फैक्टर इज अ फैक्टर ऑफ दिस पी एक्स, ठीक है। तो आप करना क्या है, x प्लस वन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर दो, ठीक है, इससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा मैं बता दे रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको खुद करना है, x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसको आप फैक्टराइज करना है, तो आगे 1 है इधर 20 है, तो 1 इंटू 20 आ रहा है 20, इसका एलसीएम ले लीजिए, 10 5, अब इनके साथ कुछ ऐसा खिचड़ी पकाइए कि प्लस माइनस करने पे ये आ जाए, तो 5 2 10 और 10 प्लस 2, तो 10 इंटू 2 करने पे आ जा रहा है 20 और 10 प्लस 2 करने पे आ जा रहा है 12, तो अपन इसको इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं 10 प्लस 2 एक्स प्लस 20, तो
एक्स का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, तो इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा x प्लस 10, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा x प्लस 10, है ना। तो ये x प्लस 10 दोनों में है, तो x प्लस 10 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ x और यहाँ 2 बच जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसका क्या है, 1 है, इसका जो आएगा 1 का जो फैक्टर आएगा प्लस माइनस 1, या तो x प्लस 1 होगा या तो x माइनस 1 होगा। अब हीट एंड ट्रायल मेथड से लगा के देखिए देखिए क्या आएगा। और सबसे बड़ी मिस्टेक, ये x नहीं है, y के टर्म में है, तो y प्लस 1 या y माइनस 1, ठीक है, इनमें से कोई एक सुटेबल होगा, कौन सा सुटेबल होगा। ओके, यहाँ से y प्लस 1 जो है इज अ, ये सुटेबल है, इज अ फैक्टर ऑफ px, इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बाकी जो है इस ये वाले को मिटा दीजिए। अब इसको आप y प्लस 1 जो है इसको आपको लॉन्ग डिवीजन मैट्रिक्स लगा देना है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 2y स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y क्यूब और 2y स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये कट गया, ये आ जाएगा माइनस 1y स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा माइनस 1y, तो ये आ जाएगा माइनस 1y स्क्वायर प्लस माइनस 1y, यहाँ पे अगर 2y लिख के इस तरीके से तो साइन चेंज करेंगे तो ये हो गया 0, ये आ जाएगा माइनस प्लस, तो माइनस 1y माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 1। ओके, ये आ गया। अब क्या करो, इसमें इसको डिवाइड करो y से इसको, तो आ जाएगा यहाँ कर तो दिया माइनस 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1y प्लस माइनस 1, ये 1 साइन चेंज करो, ये पूरा आ गया 0, ये आ गया 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1। ठीक है, तो इसको क्या किया जाए। ओके, यहाँ पे देखो y स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 1, तो 2 इंटू 1 आ रहा है 2। अब एलसीएम लेंगे 2 का तो क्या आ जाएगा, 2 और 1, इनके साथ खिचड़ी पकाएं, तो जनरली 2y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ ना, इस तरीके से 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, सेम टू सेम पहले जैसे हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1y माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ क्या 2, तो आ जाएगा 2y कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा y माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लूंगा तो y माइनस 1, y माइनस 1 दोनों में है तो कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा क्या 2y प्लस 1 बच जाएगा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, बस हो गया, ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ चीजें सब समझ में आ गया हो, कहीं पे दिक्कत वगैरह है तो कमेंट करो, मैं जरूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में।